स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्रियन झुमका। तो महाराष्ट्रियन झुमका बनाने के लिए हम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखेंगे। उसके लिए हमें लगेगा कढ़ी पत्ता, दो बड़े प्याज हमने बारीक काट के लिए हैं, दो हरी मिर्च ली है और एक बड़ा टोमेटो हमने कट करके लिया है। इसके साथ ही हमें लगेगा एक बाउल बेसन। झुमका बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो बेसन लिया है इसे रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए हमने एकदम थोड़ा सा ऑयल पैन में गरम करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले इसे हम अच्छा सुगंध आने तक और इसका कलर चेंज होने तक रोस्ट करेंगे। कम से कम 3-4 मिनट तक हम इसे मिनिमम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं, देखिए अच्छी तरह से ये बेसन रोस्ट हो गया है। इसे हम निकाल पैन में 2 बड़े चम्मच गरम करने के लिए हमने ऑयल रखा है और सबसे पहले हम इसमें राई डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, प्याज डालेंगे, डालेंगे हम इसमें, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याज का कलर चेंज होने तक, पिंकिश होने तक इसे हम रोस्ट करेंगे। प्याज अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं ऑयल में। अभी हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से पक जाए। अभी हम इसमें टोमेटो डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है सब्जी को। स्वादानुसार नमक हम इसमें ऐड करेंगे और अभी ढक्कन रख के 2 मिनट हम इसे पकने देंगे। ये टोमेटो अच्छी तरह से पक गए हैं और पूरी ये जो चटनी है वो अच्छी तरह से रेडी हो गई है। इसमें अभी हम ये रोस्टेड बेसन डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर लिया है और 2 मिनट तक हमें इसी तरह से चलाते रहना है ताकि ये बेसन और ये जो चटनी है वो एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अभी हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालना है हमें। ये झुमका बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है गर्म गर्म भाकर के साथ। ये महाराष्ट्र की बहुत ही स्पेशल डिश है झुमका और भाकर। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी हमें गर्म करके ही डालना है। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें मिक्स करना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि झुमका जो है वो सूखा सूखा ही रहता है। ये जो बेसन है वो अच्छी तरह से इसमें पक जाए और सॉफ्ट हो जाए इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। देखिए ये झुमका अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और इसमें हम अभी थोड़ा सा दही डालेंगे, ज्यादा नहीं, आधा कटोरी से भी कम दही हम इसमें ऐड करेंगे। इससे झुमका बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। देखिए झुमका बनके रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और पक चुका है। तो अभी हम ये झुमका सर्व करेंगे। थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल हम इसमें डालेंगे और हरा धनिया इसमें हम डालेंगे। बहुत ही टेस्टी ऐसा यह झुमका बनके रेडी हो गया है। इसे हम अभी भाकर के साथ सर्व करेंगे। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो आप ये जरूर ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रेसिपी
आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ये वीडियो टाइम निकाल के देखने के लिए थैंक यू।